हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ टीवी इंजीनियरिंग। आज के लेक्चर में हम लोग थ्री कलर थ्योरी से स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कलर परसेप्शन देखा, कंपैटिबिलिटी देखा, जो कि ये कलर टेलीविजन सिस्टम और मोनोक्रोम टेलीविजन सिस्टम में होना चाहिए था, क्यों होना चाहिए था कंपैटिबिलिटी, वो भी देखा, कैसे ला सकते हैं वो कंपैटिबिलिटी, वो भी हम लोग पढ़े थे। तो आज के क्लास में हम लोग कलर के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग ये देखे थे कि कोन्स जो होते हैं उनको थ्री ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, रेड कोन्स, ब्लू कोन्स एंड ग्रीन कोन्स। तो अभी हम लोग थोड़ा सा कलर के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, ताकि हम लोग कलर टीवी सिस्टम को और अच्छे से जान पाएं कि कलर इन्फॉर्मेशन कैसे ऐड करेंगे सिग्नल में। तो कलर में क्या है, हम लोग ये जानते हैं प्राइमरी कलर्स किसको कहते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू, ठीक है। सेकेंडरी कलर्स कौन सा होता है, येलो, सियान, मेजेंटा, ठीक है। तो हमेशा ये याद रखना है कि प्राइमरी कलर्स जो होता है वो होता है रेड, ग्रीन, ब्लू, इसको RGB बोलते हैं, ठीक है। और सेकेंडरी कलर्स जो होता है, जिसको कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स भी बोलते हैं, वो कौन कौन सा होता है, येलो, सियान और मेजेंटा, YCM, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी कलर्स है RGB, अगर उन तीनों को हम लोग ऐड करते हैं, मतलब एक साथ मिक्स करते हैं, तो बनता है वाइट कलर, ठीक है। अगर रेड, ग्रीन और ब्लू कलर को मिक्स करेंगे तो वाइट कलर बन जाएगा। सिमिलर वे में अगर येलो, सियान और मेजेंटा को मिक्स करेंगे तो ब्लैक कलर बनेगा, ठीक है। तो एडिशन ऑफ प्राइमरी कलर क्या होता है, वाइट, एडिशन ऑफ सेकेंडरी कलर क्या होगा, ब्लैक, ठीक है, इतना क्लियर है। अब आते हैं ये जो सेकेंडरी कलर है वो कहाँ से आता है। तो जब हम लोग बाय पेयर वाइज एडिटिव मिक्सिंग, एडिटिव मिक्सिंग क्या है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए यही है कि जब दो प्राइमरी कलर को ऐड करते हैं तो एक सेकेंडरी कलर बनता है। जैसे रेड और ग्रीन को जब ऐड करेंगे तो येलो बनेगा, पहला सेकेंडरी कलर, ठीक है। ब्लू और ग्रीन को ऐड करेंगे तो सियान बनेगा, रेड और ब्लू को करेंगे तो मैजेंटा बनेगा, ठीक है। तो अगर एक सर्कल बनाए, उसमें अगर हम लोग चाहते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी कलर को पोजीशन करें, तो क्या होगा, ये मेरा प्राइमरी कलर है रेड, ठीक है, ये रेड हो गया, ये ग्रीन हो गया और ये ब्लू हो गया, ये मेरा प्राइमरी कलर था। और हम लोग क्या देखे, रेड और ग्रीन को अगर मिक्स करेंगे तो येलो बनेगा, तो रेड यहाँ है, ग्रीन यहाँ है, मिक्स करेंगे येलो बनेगा, इसलिए येलो को यहाँ पोजीशन किए रेड और ग्रीन के बीच में। सिमिलर वे में ब्लू और ग्रीन को मिक्स करेंगे तो सियान बनेगा, ब्लू है ये, ग्रीन है ये, तो ये हो गया सियान। और लाइकवाइज रेड, ब्लू, मेजेंटा बनता है, तो रेड हमारा ये है, ब्लू ये है, तो इन दोनों के बीच में मेजेंटा रहेगा। तो ये याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि कौन से कलर को मिक्स करके क्या बनता है, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आता है। तो ये याद रखना है कि रेड और ग्रीन को मिक्स करेंगे तो येलो बनता है, ब्लू ग्रीन को करेंगे तो सियान, और रेड और ब्लू को करेंगे तो मेजेंटा, ठीक है। सियान जो होता है वो थोड़ा सा ग्रीनिश ब्लू शेड है, थोड़ा ग्रीन भी रहेगा, थोड़ा ब्लू रहेगा, मेजेंटा में थोड़ा सा पर्पल टाइप का शेड आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है, बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हम लोग ये देखिए रेड, ग्रीन, येलो बनता है। अब हम लोग आते हैं इसको कॉम्प्लीमेंट्री क्यों कहते हैं सेकेंडरी कलर्स को, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, डिजिटल में पढ़े होंगे कि अगर कोई हमारा इनपुट है ए, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 - a, या सेट थ्योरी में भी हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, कि अगर कोई सेट है a तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट होता है a' क्या होता है, 1 - a, ठीक है। तो अभी हम लोग का क्या है, यहाँ पे प्राइमरी कलर्स है RGB, तीनों को ऐड करते हैं तो वाइट बनता है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, ये सेकेंडरी कलर्स को कॉम्प्लीमेंट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि वाइट से हम लोग एक कलर माइनस करते हैं तो ये हमको कलर मिलता है, ठीक है। और कौन सा कलर माइनस करेंगे, जैसे यहाँ लिखा हुआ, इफ अ कॉम्प्लीमेंट्री इज एडेड इन अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शनल टू प्राइमरी विच इट इटसेल्फ डज नॉट कंटेन, वाइट इज प्रोड्यूस। ये लैंग्वेज थोड़ा पढ़ने में ये लग रहा है, लेकिन इसका सिंपल मीनिंग हम बता देते हैं क्या है। येलो कैसे बना, रेड और ग्रीन को मिला के, प्राइमरी कलर्स तो मेरे पास तीन है, रेड, ग्रीन, ब्लू, लेकिन ब्लू से कोई मतलब नहीं है येलो को, हम लोग इस सर्कल में भी देख सकते हैं। येलो कैसे बना, सिर्फ रेड और ग्रीन से, ठीक है। तो कौन सा, यहाँ पे ना प्राइमरी विच इट इटसेल्फ डज नॉट कंटेन, तो येलो में ब्लू जो है वो नहीं है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि येलो में ब्लू नहीं है, तो इसलिए अगर येलो और ब्लू को ऐड करेंगे तो हमको वाइट मिलेगा, ठीक है। या फिर इसको ऑपोजिट वे में, अगर कॉम्प्लीमेंट्री ऑपोजिट वे में देखो, तो वाइट में से अगर ब्लू माइनस कर दें तो हमको येलो मिलेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि येलो क्या चीज का कॉम्बिनेशन है, रेड और ग्रीन का, और व्हाइट क्या होता है,
W white equals to R plus G plus B. तो अगर सिंपल मैथ्स भी देखो तो हो जाएगा R plus G क्या है? येलो, ठीक है? तो येलो कलर कैसे प्रोड्यूस होगा जब व्हाइट में से हम लोग ब्लू माइनस कर देंगे, है ना? तो इसीलिए इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, कि व्हाइट में से ब्लू माइनस करेंगे तो येलो बनेगा. सिमिलर वे में अगर हमको सियान चाहिए तो व्हाइट में से क्या माइनस करेंगे? सियान में क्या क्या है? ब्लू और ग्रीन है. क्या नहीं है? रेड नहीं है. तो व्हाइट में से अगर हम लोग रेड माइनस कर देंगे तो सियान मिल जाएगा, ठीक है? उसी तरह से मेजेंटा, अगर मेजेंटा हमको चाहिए तो क्या करेंगे? व्हाइट कलर में से क्या माइनस करेंगे? मेजेंटा बनता है रेड और ब्लू को मिला के, इसमें ग्रीन का कोई रोल नहीं है. तो व्हाइट में से ग्रीन माइनस कर देंगे तो हमको मेजेंटा मिल जाएगा, है ना? तो ये सब जो रिलेशन है वो बहुत ही ध्यान में रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में हमेशा आता है ये चीज, ठीक है? तो कलर में ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन ये रिलेशनशिप जो है वो याद रखना होगा कि येलो, सियान और मेजेंटा कौन से कलर के कॉम्बिनेशन से बनता है, ये एटलीस्ट सबको याद रखना होगा, ठीक है? और ये जो व्हाइट कलर है आरजीबी, ब्लैक कलर बना वाईसीएम से, इसको क्या कहते हैं कि अगर तीनों प्राइमरी कलर है, ये जो रेड ग्रीन ब्लू मेरा तीन प्राइमरी कलर है, अगर इसको ऐड करते हैं, एडिटिव मिक्सिंग करते हैं तो व्हाइट प्रोड्यूस होगा, जो कि हम लोग यहाँ लिखे हैं. लेकिन अगर सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग करते हैं तो ब्लैक प्रोड्यूस होता है, ये हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है? तो ये सारा चीज इसीलिए हम लिखे हैं ताकि ऑब्जेक्टिव में अगर आता है तो ऑब्जेक्टिव मिस नहीं. तो अब आता है मिक्सिंग ऑफ कलर. तीन प्राइमरी कलर है हम लोग देखे, लेकिन हम लोग के पास तो बहुत सारा कलर होता है ना, सिर्फ तीन ही कलर तो हम लोग नहीं देखते हैं. रेड ग्रीन ब्लू सिर्फ तीन ही कलर नहीं है ना, बहुत सारा कलर है. तो वो बहुत सारा कलर कैसे बनता है? इन तीन प्राइमरी कलर के कॉम्बिनेशन से, ठीक है? रेड ग्रीन या ग्रीन ब्लू या फिर तीनों को मिला देंगे तो उसके कॉम्बिनेशन से बनता है. जो लोग पेंटिंग करते हैं वो लोग जानते होंगे, ठीक है? मान लो कि हम लोग जैसे यहाँ देखिए, रेड और ग्रीन से येलो बन रहा है, ठीक है? तो रेड और ग्रीन से येलो बन रहा है. अब अगर हम लोग थोड़ा ज्यादा रेड डाल देंगे, थोड़ा कम ग्रीन डालेंगे, तो हो सकता है कि थोड़ा ऑरेंज टाइप का कलर आए. ऑरेंज मतलब क्या होता है? डार्क शेड ऑफ येलो, है ना? डार्क शेड ऑफ येलो. तो क्या किस चीज पे डिपेंड कर रहा है कि हम लोग कितना क्वांटिटी इसका ले रहे हैं, कितना क्वांटिटी इसका ले रहे हैं, ठीक है? अब हम लोग अभी तो एडिटिव मिक्सिंग, हमेशा एक चीज याद रखना है कि एडिटिव मिक्सिंग के केस में हम लोग कलर जो होता है वो लाइट केस में लेते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग में वो सब्सटेंस में लेते हैं. जैसे पेंट वगैरह हो गया, उस केस में हम लोग सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग करते हैं क्योंकि वो एक सब्सटेंस है. लेकिन टेलीविजन में क्या है? सब्सटेंस नहीं है ना, वो तो पूरा लाइट पे डिपेंडेंट है. तो टीवी में हम लोग एडिटिव मिक्सिंग यूज करते हैं. तो जहां भी लाइट का बात आएगा वहां हम लोग एडिटिव मिक्सिंग यूज करेंगे. जहां सब्सटेंस का बात होगा, कुछ एक मैटर होगा, वहां हम लोग सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग करेंगे. ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या, अगर लाइट का बात है तो हम लोग जैसे अभी बोल रहे हैं ना कि कितना हम लोग रेड ले रहे हैं, कितना क्वांटिटी रेड का, कितना क्वांटिटी ग्रीन का. तो अगर लाइट रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? कितना इंटेंसिटी रेड लाइट का लेंगे और कितना इंटेंसिटी ग्रीन लाइट का लेंगे. और लाइट का यूनिट क्या होता है? लाइट को कैसे मेजर करते हैं? ल्यूमेन में. ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है? लाइट का जो इंटेंसिटी होता है उसका यूनिट होता है ल्यूमेन, LUMEN. ये एक यूनिट है. तो जब भी हम लोग एडिटिव मिक्सिंग का बात करेंगे तो जो यूनिट होगा वो ल्यूमेन में होगा, क्योंकि उस टाइम हम लोग लाइट का इंटेंसिटी लेंगे, ठीक है? अगर ज्यादा इंटेंसिटी लेंगे रेड लाइट का और कम इंटेंसिटी लेंगे ग्रीन का तो हमको ऑरेंज लाइट मिलेगा, ठीक है? क्लियर है? तो ये जो लिखा हुआ है ये बस हम लिख दिए हैं, क्योंकि सिर्फ समझने से नहीं होगा, एग्जाम में तुम लोगों को लिखना भी पड़ेगा, ठीक है? तो समझना ये बहुत आसान है, एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव बहुत ही ईजी है. लेकिन लिखा हुआ जो है वो एक बार रीड कर देते हैं कि लाइट फ्रॉम टू और मोर कलर्स आर एडेड. यहाँ लाइट है, लाइट फ्रॉम टू और मोर कलर्स आर एडेड टू क्रिएट अ कंबाइंड सेंसेशन ऑफ डिफरेंट कलर. जब आर जी बी, जब कोई भी दो या दो से ज्यादा कलर का लाइट जो कंबाइन होगा तो वो कोई तीसरा ही कलर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है? और अगर उनका हम इंटेंसिटी जिस भी चीज में कंबाइन कर रहे हैं, मान लो आर प्लस जी कर रहे हैं, अभी हम लोग अगर पॉइंट, हम लोग मान लेते हैं 0.1 ले रहे हैं, यहाँ 0.3 ले रहे हैं, तो हो सकता है कि हमको X1 कलर मिले. अब अगर इसका हम इंटेंसिटी थोड़ा बढ़ा दें रेड का और ग्रीन का थोड़ा घटा दें, तो हो सकता है हमको कोई दूसरा कलर मिले. तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कलर प्रोड्यूस कर सकते हैं प्राइमरी कलर्स से, उसका इंटेंसिटी वेरी करके, ठीक है? और हमेशा याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, टेलीविजन में, कंप्यूटर में, स्मार्टफोन स्क्रीन में, ये सब में क्या होता है? लाइट के कारण ही हम लोगों को दिखता है ना इसमें. तो जहां भी लाइट का चीज होगा वहां पे आरजीबी यूज होता है और एडिटिव मिक्सिंग यूज होता है. क्लियर है?
सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग में क्या होता है, सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग सब्सटेंस से होगा, लाइट का नहीं, उसको सब्सटेंस मैटर उसको चाहिए, ठीक है। जैसे पेंट है, दो पेंट मिला रहे हैं, तो वो उस केस में हम लोग सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग यूज करते हैं। सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग में क्या होता है कि मान लो कि कोई चीज है, जैसे अभी हम ये लिखे, ये हमको ब्लैक दिख रहा है, क्यों ब्लैक दिख रहा है, क्योंकि ये जो चीज है वो सारा कुछ रिफ्लेक्ट जो है नहीं करता है, कोई भी लाइट है अगर तो वो ब्लैक को छोड़ के सबको एब्जॉर्ब कर लेगा, रिफ्लेक्ट क्या कर रहा है, सिर्फ ब्लैक कलर, इसीलिए हमारा आई जो है वो उसको ब्लैक देख पा रहा है। जैसे एप्पल है, रेड कलर का दिखता है, क्यों, क्योंकि वो जो एप्पल है सब्सटेंस है, वो एप्पल क्या करता है, जब उस पर लाइट पड़ता है तो लाइट में तो सारा कलर है ना, विबग्योर सारा कलर है, उसमें से वो क्या करेगा, हर कलर को एब्जॉर्ब करेगा लेकिन सिर्फ रेड को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग का आई जो है वो सिर्फ रेड देख पाता है। तो क्या होता है कि हम लोग कौन सा कलर देख पाएंगे, जो कलर किसी भी मैटर से या सब्सटेंस से रिफ्लेक्ट होता है वही देख पाएंगे। तो अगर रेड कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब हम लोग का आई उस चीज को रेड कलर में देखेगा। तो रेड कलर का कुछ वेवलेंथ और कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, स्पेक्ट्रम में हम लोग देखे हर कलर का कुछ एक वेवलेंथ था ना, जैसे इसमें है ना, येलो 600 नैनोमीटर है, ग्रीन 550 नैनोमीटर है, रेड 700 नैनोमीटर है, 700 नैनोमीटर उसको उससे फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो। तो हर कलर का अपना वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। तो जो भी सब्सटेंस या कोई भी मैटर जिस वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट करेगा, हमारा आई सिर्फ वही कलर देखेगा, ठीक है। यहाँ पे यही लिखा हुआ है, विच एब्जॉर्ब्स ऑल वेवलेंथ एक्सेप्ट देयर कैरेक्टरिस्टिक कलर वेवलेंथ, ठीक है। अभी क्या है कि अगर रेड और ग्रीन दोनों को हम मिक्स करते हैं तो हमारा आई कौन सा कलर देखेगा, वो कलर देखेगा जो कि रिफ्लेक्ट होगा, और रिफ्लेक्ट कौन सा होगा, वही वेवलेंथ होगा या वही फ्रीक्वेंसी होगा जो दोनों में कॉमन है। जैसे ऐसा नहीं है कि रेड है तो वो बस एकदम 300 नैनोमीटर, लेट्स से अगर 700 नैनोमीटर है तो सिर्फ एक ही वेवलेंथ पे रेड है, नहीं, 680 पे भी तो हमको रेड ही नजर आएगा, 710 नैनोमीटर पे भी तो हमको रेड ही नजर आएगा, मतलब उसका कुछ जो भी कलर है वो एकदम ऐसा नहीं है ना पिन पॉइंट एकदम, हाँ यहाँ पे रेड है, ठीक है। तो जब हम लोग दो कलर को मिक्स करते हैं तो वो उस वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट करेगा कि जितना दूर इस दोनों में कॉमन है, जो कलर इन दोनों में कॉमन रहेगा वही रिफ्लेक्ट होगा और वही हम लोगों को मिलेगा। तो ये जो सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग होता है वो पेंटिंग और कलर प्रिंटिंग वगैरह जो होता है वो सब में काम आता है, ठीक है। तो इस स्लाइड से जो मेन चीज था वो क्या था, एडिटिव मिक्सिंग लाइट के केस में होता है, सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग सब्सटेंस के केस में होता है, ठीक है। एडिटिव मिक्सिंग कहाँ यूज होता है, टेलीविजन में, कंप्यूटर स्क्रीन पे, स्मार्टफोन स्क्रीन पे। सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग कहाँ यूज होता है, पेंटिंग में, कलर जो प्रिंटिंग वगैरह होता है उसमें, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में एडिटिव मिक्सिंग क्या होता है, इससे ध्यान से ये देखना है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आता है। हम पहले ही बोले थे कि ये वाला जो हमारा सब टॉपिक है इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। ये हमारे पास सर्कल तीन है, थ्री प्राइमरी कलर्स, रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। जब इन तीनों को हम लोग इस तरीके से रखे तो ये वाला जो व्हाइट पोर्शन है ना, ये जो दिख रहा है, ये व्हाइट पोर्शन कैसे बना, रेड वाला सर्कल, ग्रीन वाला सर्कल और ब्लू वाला सर्कल जब ओवरलैप किया तभी बना। मान लेते हैं ये रेड है, ये ग्रीन है, ओवरलैप किया, और जब ब्लू सर्कल भी हम लोग ऐसे बनाए तो तीनों सर्कल इस पोर्शन में क्या हो रहा है, RGB, तीनों सर्कल मीट हो रहा है। तो हम लोग पहले ही जानते हैं कि जब भी R प्लस G प्लस B मिलता है तो क्या कलर बनता है, वाइट कलर बनता है। इसीलिए ये जो बीच वाला पोर्शन है जहां तीनों कलर है वो हो गया वाइट, ठीक है। अब इसमें येलो क्या देखे थे हम लोग, ग्रीन प्लस रेड, तो ग्रीन और रेड जहां ओवरलैप कर रहा है वो हो गया येलो, ग्रीन और ब्लू जहां कर रहा है वो हो गया सियान, और रेड और ब्लू जहां ओवरलैप कर रहा है वो हो गया मेजेंटा। तो इसका हम लोग देखे थे कि येलो होता था ग्रीन प्लस रेड, सियान होता था ग्रीन प्लस ब्लू, और मेजेंटा होता था रेड प्लस ब्लू। ये सारा कुछ इससे पता चल रहा है। अब जो इसमें अलग से ध्यान देने वाली बात है वो ये है, ये जो व्हाइट कलर का फॉर्मेशन होता है, अभी हम लोग बोले थे कि कुछ इंटेंसिटी में मिलाते हैं सबको, अगर हम लोग दो लाइट या ये एडिटिव के बारे में है ना, ये एडिटिव मिक्सिंग हम लोग अभी पहले देख रहे हैं। तो एडिटिव मिक्सिंग में क्या होता है, लाइट्स हम लोग लाइट को कंसीडर करते हैं, सब्सटेंस को नहीं करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इंटेंसिटी होता है कि कितना इंटेंसिटी हम लोग ग्रीन लाइट का लेंगे, कितना इंटेंसिटी रेड लाइट का लेंगे, कितना ब्लू लाइट का लेंगे, और तीनों को मिक्स करेंगे कि हमको व्हाइट लाइट मिले, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं
कि रेड लाइट हम लोग लेते हैं 30%, ठीक है, ब्लू लाइट लेंगे 11% और ग्रीन लाइट लेंगे 59%। अगर ऐसा लेते हैं तो हम लोगों को 100% व्हाइट लाइट मिलता है। इसको ऐड करके भी देखेंगे तो यही होगा, 30 + 59 + 11 100% हुआ। तो 100% व्हाइट पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 59% ग्रीन लेते हैं, 30% रेड लेते हैं और 11% ब्लू लेते हैं, ठीक है। ये पूछता है कि जो वीडियो सिग्नल है उसमें कितना इंटेंसिटी होता है ग्रीन लाइट का, तो वो होगा 59%। और ये स्टैंडर्ड है, इसको हम अपने मन से चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसको रिसर्चर्स ने या साइंटिस्ट ने ये स्टैंडर्ड ले लिया है कि अगर हमको व्हाइट चाहिए, 100% व्हाइट चाहिए, तो उसके लिए हमको 59% ग्रीन लाइट प्लस 30% रेड लाइट और 11% ऑफ ब्लू लाइट मिक्स करना होगा, ठीक है। इतना क्लियर है। सेम वे में अभी लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा था कि कोई भी वीडियो सिग्नल में, कलर वीडियो सिग्नल में मेजेंटा कलर का क्या इंटेंसिटी होता है, मेजेंटा कलर का, ठीक है। तो मेजेंटा कलर कौन सा है, ये है मेजेंटा, थोड़ा पर्पलिश जो हम लोग पहले पढ़े थे, ये है येलो, ये है सियान। तो मेजेंटा कलर अभी इससे तुरंत पता चल जाएगा कि मेजेंटा का कितना इंटेंसिटी होता है। मेजेंटा किससे बना, ब्लू और रेड से बना है। कितना कितना परसेंट है, मेजेंटा बना 30% रेड से प्लस 11% ब्लू से। तो कितना हो गया ऐड करने पे, 30 + 11 = 41। इसका मतलब कि इसका इंटेंसिटी जो है वो कितना है, 41% है मेजेंटा का, ठीक है। इसमें यही करना है, 59% ग्रीन लिए, याद क्या रखना है इसमें, ये तीन वैल्यू कि व्हाइट कलर के लिए जो इंटेंसिटी होता है वो होता है 30% रेड के लिए, 11% ब्लू और 59% ग्रीन। अगर ये याद है तो फिर येलो, सियान और मेजेंटा आराम से हो सकता है। मेजेंटा क्या है, ब्लू और ग्रीन, तो इसका ऐड कर दो, 30% रेड 11% ब्लू, तो 41% मेजेंटा। सियान क्या होगा, 59% ग्रीन है और 11% ब्लू है, तो ये सियान जो होगा उसका इंटेंसिटी कितना परसेंट होगा, 59 + 11, ये हो गया 70%। और येलो क्या होगा, 59% ग्रीन, रेड हो गया 30%, मतलब 89%, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि किसी भी वीडियो सिग्नल में अगर कोई पूछेगा कि सियान कलर का कितना इंटेंसिटी होता है, तो 70%, येलो का कितना इंटेंसिटी होता है, 89%, रेड का 30%, ठीक है। तो ये सारा वैल्यू याद रखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ ये तीन वैल्यू याद रखना है, ठीक है। तो ये एकदम ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि ये याद रहे। तो ये होता है एडिटिव मिक्सिंग। एडिटिव मिक्सिंग मतलब कोई भी कलर को ऐड करके हम लोग तीसरा कलर बना रहे हैं। ग्रीन रेड को ऐड किया येलो बना, ग्रीन ब्लू को ऐड किया सियान बना, ब्लू रेड को ऐड किया मेजेंटा बना, ओके। तो ये हमारा था एडिटिव मिक्सिंग। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग पे। ये हमारा है सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग। सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग में हम लोग क्या करते हैं कि एडिटिव में हम लोग क्या कर रहे थे कि रेड, ग्रीन और ब्लू तीनों को ऐड कर रहे थे, तो यहाँ पे ये बीच वाले पोर्शन में व्हाइट लाइट मिल रहा था। सब्ट्रैक्टिव में क्या करते हैं, हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अगर रेड, ग्रीन और ब्लू तीनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरे पास कुछ नहीं, लाइट कुछ नहीं बचेगा, ब्लैक बचेगा, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं कि हमारा जो प्राइमरी कलर है वो सिर्फ तीन ही है, रेड, ग्रीन, ब्लू। उसी तीनों के कॉम्बिनेशन से हम लोग बाकी सारा कलर बनाते हैं। तो अगर अब हम लोग सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग कर रहे हैं, एडिटिव मिक्सिंग में कलर को ऐड करते थे, सब्ट्रैक्टिव में कलर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब RGB तीन कलर है और तीनों को सब्ट्रैक्ट ही हम कोई चीज़ से कर देंगे, तो इसका मतलब मेरे पास कोई लाइट नहीं है। एक रूम है जिसमें कि रेड, ग्रीन और ब्लू तीनों लाइट है, तो हमको व्हाइट लाइट दिखेगा, लेकिन एक एक करके हम सारा लाइट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। पहले रेड लाइट ऑफ कर देंगे, ग्रीन ऑफ कर देंगे, ब्लू ऑफ कर देंगे, तो रूम में क्या होगा, अंधेरा होगा, मतलब ब्लैक लाइट आ जाएगा, ब्लैक है, ठीक है। ब्लैक लाइट का ऐसे कोई मतलब नहीं है, बस हम समझाने के पर्पज से बोल रहे हैं। तो इसका मतलब सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग में क्या होता है, अगर तीनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, रेड, ग्रीन, ब्लू को, तो यहाँ पे आएगा ब्लैक, ठीक है। अब ये हुआ ब्लैक। अब हम लोग क्या देखेंगे कि ये ग्रीन कलर जो है वो कैसे बनेगा। सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग है इसलिए हम लोग क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे जो कि ग्रीन कलर आएगा। तो ग्रीन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ग्रीन को हम लोग लिखेंगे कि अगर व्हाइट कलर में से हम लोग रेड को सब्ट्रैक्ट कर दें और ब्लू को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमको ग्रीन कलर मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें, हम लोग जानते हैं ना कि व्हाइट इक्वल्स टू होता है रेड प्लस ब्लू प्लस ग्रीन। तो अगर हमको सिर्फ ग्रीन कलर चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, व्हाइट में से रेड और ब्लू माइनस कर देंगे। सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग है इसलिए हम लोग सब्ट्रैक्शन वाला चीज ले रहे हैं। सिमिलर वे में अगर रेड को हम लोग लिखना चाहें
तो रेड को क्या लिखेंगे, व्हाइट में से क्या क्या माइनस होगा, रेड में व्हाइट में से हम लोग ग्रीन माइनस करेंगे और ब्लू माइनस करेंगे, ठीक है। सिमिलर वे में ब्लू को क्या लिखेंगे, व्हाइट माइनस ग्रीन माइनस रेड, तो ये हो गया सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग। अब इसमें एक और चीज है, येलो, येलो क्या चीज से बन रहा है, इसमें येलो बनने के लिए कौन कौन सा कलर यूज हो रहा है, तो इसके लिए ग्रीन और रेड दोनों का यूज हो रहा है, लेकिन ब्लू का कोई यूज नहीं है, है ना। ये येलो कलर बन रहा है, ग्रीन और रेड सर्कल जब ओवरलैप करेगा तब येलो बनेगा, लेकिन येलो कलर बनने में ब्लू का तो कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो येलो को हम लोग क्या लिखेंगे, येलो को लिख सकते हैं कि जब व्हाइट में से हम लोग ब्लू माइनस कर देंगे तो हमको येलो मिल जाएगा, क्योंकि येलो बनाने में रेड और ग्रीन दोनों चाहिए, ब्लू नहीं चाहिए। तो अगर मैथ्स वाइज देखें कि येलो इक्वल्स टू व्हाइट माइनस ब्लू कैसे आ जाएगा, अगर देखें तो व्हाइट को हम लोग क्या लिखते हैं, रेड प्लस ग्रीन प्लस ब्लू, व्हाइट को ये लिख दिए माइनस बी, तो बी बी हट गया, तो क्या आ गया, वाई इक्वल्स टू रेड प्लस ग्रीन, ये हम लोग पहले पढ़े थे, ठीक है। तो ये सिर्फ लिखने का एक नजरिया हम लोग चेंज करते हैं सब्ट्रैक्टिव और एडिटिव में, बात वही है कि येलो हमेशा बनेगा ग्रीन प्लस रेड से। एडिटिव मिक्सिंग में क्या लिखते थे कि येलो इक्वल्स टू आर प्लस जी, ठीक है, लेकिन सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग में क्या लिखेंगे, येलो इक्वल्स टू व्हाइट माइनस बी, तो बात तो वही है ना, बात वही है, बस लिखने का तरीका अलग है कि एडिटिव मिक्सिंग में हम लोग ऐड करके येलो जनरेट करते हैं, सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग में हम लोग सब्ट्रैक्ट करके येलो जनरेट करते हैं, ठीक है, क्लियर है, आई होप ये चीज क्लियर हो। तो येलो हो गया, अब अगर इसका देखें सियान का, तो सियान में हम लोग एडिटिव में हम लोग क्या देखे थे, सियान कलर कैसे आता था, सियान कलर आता था जब ग्रीन प्लस ब्लू ऐड होता था, लेकिन यहाँ तो सब्ट्रैक्टिव है, सब्ट्रैक्टिव में क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हम लोग क्या चीज से करते हैं, पूरे चीज से कोई चीज को माइनस करते हैं, तो पूरा चीज मतलब व्हाइट ही होता है, व्हाइट में सारा कलर है, व्हाइट में से जिसमें कि सारा कलर है उसमें से अगर हम लोग रेड माइनस कर देंगे तो सियान बन जाएगा, क्यों, क्योंकि सियान बनाने के लिए क्या चाहिए, ग्रीन चाहिए ब्लू चाहिए, इस रेड का तो कोई रोल नहीं है इस सियान कलर में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, व्हाइट लाइट में से अगर रेड लाइट माइनस कर देंगे, सॉरी व्हाइट में से रेड माइनस कर देंगे तो हमको सियान मिल जाएगा। यहाँ पे लाइट इसीलिए नहीं बोले क्योंकि सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग है, इसमें सब्सटेंस होता है, हम लोग लाइट यूज नहीं करते हैं, जहाँ लाइट रहता है वहाँ एडिटिव मिक्सिंग होता है, ठीक है। सिमिलर वे में अगर मेजेंटा के लिए करना है, तो जब एडिटिव मिक्सिंग करते थे तो लिखते थे मेजेंटा इक्वल्स टू रेड प्लस ब्लू, लेकिन जब सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग कर रहे हैं तो मेजेंटा क्या चीज से बना, रेड और ब्लू से बना, तो क्या चीज का रोल नहीं है, ग्रीन का रोल नहीं है, तो अगर व्हाइट लाइट व्हाइट में से हम लोग ग्रीन हटा देंगे तो हमको मेजेंटा मिल जाएगा, तो सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग में क्या लिखेंगे, व्हाइट माइनस ग्रीन, ये हो गया सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग, ठीक है, ये क्लियर है, तो कोई प्रॉब्लम वाला चीज नहीं है, बस लिखने का ये है। एडिटिव में हम लोग कोई भी दो कलर को ऐड करके तीसरा कलर बनाते हैं, सब्ट्रैक्टिव में हम लोग क्या करते हैं, व्हाइट लाइट में से कोई भी एक कलर माइनस करते हैं जिस कलर का जरूरत नहीं है। मेजेंटा में ग्रीन का जरूरत नहीं था तो व्हाइट लाइट में से ग्रीन माइनस कर दिया, हमको मेजेंटा मिल गया, और मैथमेटिकली भी हम लोग देख लिए कि दोनों बराबर ही है। अगर हम लोग ये बोल रहे हैं कि येलो लाइट येलो हम लोग कैसे ला सकते हैं व्हाइट में से ब्लू हटा के, तो व्हाइट होता है आर प्लस जी प्लस बी, माइनस बी करेंगे तो आएगा आर प्लस जी, जो कि होता है येलो के बराबर, ठीक है। तो ये क्लियर है। सेम चीज यहाँ पे हम बुक का स्क्रीनशॉट, जो आरआर गुलाटी का बुक है उसका स्क्रीनशॉट लेकर के हम यहाँ दे दिए हैं कि अगर इन केस अगर जो मेरा प्रीवियस स्लाइड था उसे नहीं समझ में आए तो इससे समझ में आ जाए, ठीक है। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, कोई अलग से चीज़ नहीं है, यहाँ पे यही है 30% रेड 11% ब्लू 59% ग्रीन मिलकर के 100% व्हाइट बनाता है, रेड और ग्रीन मिलकर के येलो बनाता है, तो इसका इंटेंसिटी कितना होगा, ग्रीन और रेड वाले के इंटेंसिटी को ऐड कर देंगे 89%, ठीक है। रेड और ब्लू मिलकर के मेजेंटा बनाता है, तो जो कलर बनाएगा उसका इंटेंसिटी कितना होगा, इस दोनों का इंटेंसिटी को ऐड कर देंगे। सिमिलर वे में जो ग्रीन और ब्लू मिलकर के सियान बनाता है, सियान का इंटेंसिटी कितना होगा, ब्लू का इंटेंसिटी और ग्रीन का इंटेंसिटी को ऐड कर देंगे, वही होगा। और व्हाइट का भी इंटेंसिटी कैसे हम लोग देखे थे, व्हाइट बनता है आर जी बी से, आर जी बी तीनों के इंटेंसिटी को ऐड किए तो 100% व्हाइट हो गया, ठीक है। यहाँ पे सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग है, सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग भी हम लोग देख लिए हैं कि जो भी कलर हम लोगों को बनाना रहता है, जैसे यहाँ पे है येलो क्या है, रेड प्लस ग्रीन, और यहाँ क्या है, येलो व्हाइट माइनस ब्लू, बात वही है, बात बराबर है, बस प्रेजेंटेशन का अंतर है, ठीक है। अब ये जो चीज हम लोग देख रहे हैं ना कि अगर मेजेंटा बना रहे हैं तो रेड और ब्लू से बनता है, तो रेड का इंटेंसिटी
और ब्लू का इंटेंसिटी, इंडिविजुअल इंटेंसिटी को ऐड करके तब मेजेंटा का इंटेंसिटी डायरेक्ट ऐड करके हो रहा है। इस लॉ को कहते हैं ग्रासमैन्स लॉ। जो ग्रासमैन्स लॉ है, टर्म जो है, नाम है, वो बहुत भारी भरकम लगता है सुनने में, लेकिन वो सिर्फ यही बताता है कि अगर कोई भी दो कलर को हम लोग ऐड करके तीसरा कलर बना रहे हैं तो तीसरे कलर का इंटेंसिटी किसके बराबर होगा, जो भी दो कलर को ऐड किए हैं उन दोनों की इंटेंसिटी को ऐड करके। ठीक है, जैसे रेड और ब्लू, अगर हम लोग बोलें कि रेड और ब्लू को ऐड करके हम लोग मेजेंटा बना रहे हैं, तो मेजेंटा का इंटेंसिटी कितना होगा, अगर हम लोग 0.1 रेड लिए हैं और 0.3 ब्लू लिए हैं, तो मेजेंटा कितना बनेगा, 0.4 बनेगा। तो ग्रासमैन्स लॉ जो है वो यही कहता है कि अगर दो या दो से अधिक कलर को ऐड करके हम लोग जो रिजल्टेंट कलर है, जो कंबाइंड कलर है, वो बना रहे हैं, कोई दूसरा कलर बना रहे हैं, तो जो भी कलर आएगा उसका इंटेंसिटी कितना होगा, जितने भी कलर को हम लोग मिक्स किए हैं सबका इंडिविजुअल इंटेंसिटी को ऐड करके, अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल इंटेंसिटी, जो कि हम लोग को इस डायग्राम से भी दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ इस डायग्राम से हम लोगों को क्या क्या पता चला कि 1 ल्यूमेन ऑफ व्हाइट लाइट, 1 ल्यूमेन हम पहले बता दिए, ल्यूमेन मतलब जो हमारा यूनिट है, क्योंकि हम लोग लाइट जो इंटेंसिटी है उसको ल्यूमेन, उसका यूनिट होता है उसमें, इसलिए हम लोग यहाँ पे ल्यूमेन किए हैं कि 1 यूनिट या 1 ल्यूमेन ऑफ व्हाइट लाइट जो होता है वो किसके इक्वल होगा, जब 0.3 ल्यूमेन, ल्यूमेन का ये शॉर्ट फॉर्म है LM, ठीक है, जैसे होता है ना फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज, और उसको लिखते कैसे हैं HZ, सिमिलर वे में ल्यूमेन और लिखते हैं LM, ठीक है। तो व्हाइट लाइट हम लोग, अगर हम लोग चाहते हैं कि 1 यूनिट ऑफ व्हाइट लाइट मिले तो क्या करेंगे, 0.3 ल्यूमेन ऑफ रेड लाइट लेंगे, 0.59 ल्यूमेन ऑफ ग्रीन और 0.11 ल्यूमेन ऑफ ब्लू। ये पॉइंट में क्यों आया, क्योंकि ये परसेंटेज है, परसेंटेज हटाने पे यही आता है, ठीक है। तो इसको ऐड भी कर सकते हैं, 0.3 प्लस 0.59 प्लस 0.11, तो हमको 1 ल्यूमेन मिल जाएगा। तो ये जो एडिशन किए हम लोग, कलर अलग अलग है, रेड ग्रीन ब्लू कलर अलग है, लेकिन जो रिजल्टेंट कलर होगा वो उसका इंटेंसिटी कितना होगा, इंडिविजुअल कलर के इंटेंसिटी के सम के बराबर, ठीक है। तो व्हाइट हम लोग कहाँ कहाँ से बन रहा है देखते हैं, व्हाइट कैसे बन सकता है, RGB को मिला के, ठीक है। दूसरा कैसे बन सकता है, सियान और रेड को मिला के, उससे भी बन सकता है। सियान कौन सा पोर्शन है, ये वाला, ये जो पोर्शन है, ठीक है, और रेड कौन सा पोर्शन है, ये वाला। तो सियान और रेड को जब मिलाएंगे, जब वो सर्कल ओवरलैप करेगा तो भी हमको व्हाइट मिलेगा, इसमें पता नहीं चल रहा है, इसमें ठीक से पता चलेगा। सियान और रेड, सियान मेरा ये है, रेड ये है, तो ये वाला पूरा जो सर्कल है वो रेड का है, ये वाला जो रहता वो सियान का रहता, तो सियान और रेड मिलकर के व्हाइट बना रहा है। और अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो सियान और रेड मिलके व्हाइट बनाएगा या नहीं, अगर ये चेक करना है तो सियान, ये तो पता है कि सियान क्या है, ग्रीन प्लस ब्लू, तो सियान के जगह क्या लिखेंगे, ग्रीन प्लस ब्लू, और ये आर है, तो रेड ग्रीन ब्लू क्या बनाएगा, व्हाइट ही बनाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम ये बोल रहे हैं कि हमको व्हाइट लाइट बनाना है सियान और रेड के मदद से, तो हमको इंटेंसिटी चेंज करना होगा। सियान का कितना इंटेंसिटी है, 70%, तो मतलब कि व्हाइट लाइट क्या बनेगा, 70, अगर 0.7 ल्यूमेन ऑफ सियान लाइट लेंगे प्लस 0.3 ल्यूमेन ऑफ रेड लाइट लेंगे, तो हमको 1 ल्यूमेन व्हाइट लाइट मिलेगा, ठीक है। सिमिलर वे में मेजेंटा और ग्रीन को मिलाएंगे तो भी व्हाइट लाइट मिलेगा, और येलो और ब्लू को मिलाएंगे तो भी व्हाइट लाइट मिलेगा। बस याद क्या रखना है, ये चीज हमेशा याद रखना है कि व्हाइट इक्वल्स टू आर प्लस जी प्लस बी, और येलो सियान और मेजेंटा कौन से कॉम्बिनेशन से बनता है वो याद रखना है। अगर ये याद है तो फिर ये सबका आराम से जवाब दे सकते हैं, ठीक है। पर टर्म कंडीशन यही है कि ये चीज याद रहे कि व्हाइट लाइट के लिए 30% रेड होता है, 59% ग्रीन होता है और 11% ब्लू रहता है। तो ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि इन वीडियो सिग्नल ब्राइटनेस ऑफ मेजेंटा कलर इज, वीडियो सिग्नल में मेजेंटा कलर का ब्राइटनेस क्या है। तो एग्जाम में क्या होगा, पहले पता करना होगा कि मेजेंटा कौन से दो कलर से बनता है, तो मेजेंटा बनता है रेड और ब्लू से, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि रेड का इंटेंसिटी होता है 30%, ब्लू का होता है 11%, तो मेजेंटा क्या हो गया, रेड प्लस ब्लू, मतलब 30 प्लस 11, दैट मीन्स 41%, तो आंसर हो जाएगा 41%। अगर ऑप्शन में परसेंटेज में नहीं है, डेसिमल में है, तो आंसर होगा 0.41, ठीक है। तो ये था हमारा मिक्सिंग के बारे में। अब ग्रासमैन्स लॉ है, यहाँ पे वही चीज़ हम जो अभी बता दिए हैं मिक्सिंग में, वही चीज़ यहाँ थोड़ा लिखा हुआ है, क्योंकि अगर एग्जाम में आ जाता है कि स्टेट ग्रासमैन्स लॉ, तो स्टेट ग्रासमैन्स लॉ में तुमको लॉ स्टेट करना होगा, मतलब लिखना होगा प्रॉपरली,
ऐसा नहीं है कि अभी जो हम बताया ओरली बता दिए, लेकिन लिखना भी आना चाहिए, इसी के लिए इतना हम लिखे हैं। तो ग्रासमैन्स लॉ क्या स्टेट करता है कि द प्रॉपर्टी ऑफ आई ऑफ प्रोड्यूसिंग अ रिस्पॉन्स डिपेंड्स ऑन द अलजेब्रिक सम ऑफ रेड ग्रीन एंड ब्लू इनपुट्स एंड इज नोन एज ग्रासमैन्स लॉ। मतलब हमारा जो आई है, अगर हमारा आई जो येलो अगर लाइट देख रहा है तो येलो बनता है रेड प्लस ग्रीन से, ठीक है। तो हमारा आई येलो कैसे दिखता है, जो कोन्स है हमारा रेड कोन्स और ग्रीन कोन्स एक साथ काम करेंगे, एक साथ डिटेक्ट करेंगे लाइट को और वो दोनों मिल करके एक रिस्पॉन्स देगा, तब हमारे आई को लगेगा कि हाँ ये येलो लाइट है, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि हमारा जो आई रिस्पॉन्स जो प्रोड्यूस करता है या कंबाइंड जो एक कलर प्रोड्यूस करता है उसका इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करता है, एल्जेब्राइक सम ऑफ, एल्जेब्राइक सम मतलब हम लोग डायरेक्टली उसको सम कर सकते हैं, सम ऑफ इंडिविजुअल रेड ग्रीन और ब्लू इनपुट, ठीक है। तो दिमाग में हमेशा यही रखना है कि हम लोग कोई भी कलर रेड ग्रीन और ब्लू यूज करके बना सकते हैं, बस उसका इंटेंसिटी चेंज करना होगा, ठीक है। तो आई डज नॉट डिस्टिंग्विश ईच ऑफ द कलर, मतलब ये सब बस लिखा हुआ है तुमको ये बताने के लिए है कि जो तीन कोन्स है रेड ग्रीन ब्लू, कोई भी लाइट आता है तो रेड वाला क्या करेगा, उस लाइट में से सिर्फ रेड वाला कलर को सेंस करेगा, जो ग्रीन कोन है वो क्या करेगा, एक पर्टिकुलर लाइट में से सिर्फ ग्रीन वाले कलर को सेंस करेगा। तो ऐसे करके वो तीनों अपना अपना कलर सेंस करता है, उसके बाद उसको कंबाइन करता है, हमारा आई फिर उसके कंबाइन जो रिजल्टेंट आउटपुट होता है उसको देखता है। तो ये लिखना एग्जाम में जरूरी नहीं है, लेकिन ये इसका स्टेटमेंट है, ये याद रखना होगा। और नहीं तो ये भी कर सकते हो कि एनी कलर सी, मतलब जो कलर सी है कैन बी मैच्ड बाय अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री प्राइमरी कलर्स, कोई भी कलर को हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं जो तीन प्राइमरी कलर है उससे, आर जी बी, मतलब कोई भी कलर रेड ग्रीन ब्लू से बन सकता है, लेकिन कलर चेंज कैसे होगा, जब उसका इंटेंसिटी हम लोग चेंज करेंगे, जो आर सी जी सी और बी सी है ये कॉन्स्टेंट है, इंटेंसिटी शो कर रहा है, तो आर सी जी सी और बी सी का वैल्यू चेंज करेंगे तो मेरा ये जो सी है उसका इंटेंसिटी चेंज होते जाएगा। ये वही चीज़ है जो कि हम लोग अभी पढ़े थे ना कि वाइट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रेड होना चाहिए 30% मतलब 0.3 आर, ब्लू होना चाहिए 11% मतलब 0.11 बी और ग्रीन होना चाहिए 59% तो 0.59 ग्रीन, यही चीज इसमें लिखा है। तो ये वाइट हमको कितना मिलेगा, 1 है ना, 0.3 प्लस 0.11 प्लस 0.59 ये 1 हो गया। तो एग्जाम में अगर आता है तो स्टेटमेंट लिखना है और ये वाला चीज लिख सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पे ये दे सकते हो, ठीक है। तो ये जो 0.3 0.11 0.59 ये जो होता है इसको कहते हैं ट्राई स्टिमुलस वैल्यूज, ठीक है, ट्राई स्टिमुलस वैल्यूज। ये सारा कुछ याद रखने का नहीं है, हम बस ये सब चीज समझाने के लिए लिखे हैं, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि जो ट्राई स्टिमुलस वैल्यूज होता है ये फिक्स है, ये हम लोग चेंज नहीं कर सकते, इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है कि रेड के लिए जो ट्राई स्टिमुलस वैल्यू है वो है 0.3, ब्लू के लिए 0.11, ग्रीन के लिए 0.59, ठीक है। तो उस केस में इसका वेवलेंथ दिया हुआ है आरजीबी का, रेफरेंस वाइट के लिए 30% रेड, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो 1 ल्यूमेन ऑफ लाइट क्या होगा इतना ये भी बता चुके हैं। अब क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग सेम फैक्टर से इंटेंसिटी ये तीनों का कम कर दें तो क्या होगा, हमारा जो लाइट होगा वो वाइट लाइट ही होगा, लेकिन बस उसका जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगा, मतलब जो ब्राइटनेस है वो कम हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा वो था हमारा ग्रासमैन्स लॉ। तो ग्रासमैन्स लॉ अगर लिखने आता है तो हम लोग उसका ये जो पहला जो लाइन है वो लिख सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली ये वाला पॉइंट भी लिख सकते हो कि एनी कलर कैन बी मैच्ड बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री प्राइमरी कलर्स, ठीक है, या फिर द इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट कलर इज इक्वल्स टू अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल इंटेंसिटी ऑफ आरजीबी, ठीक है। तो समझना ज्यादा जरूरी है, जो समझ गया है वो अपने वर्ड्स में भी इसको लिख सकता है, उसके बाद एग्जांपल के तौर पे ये लिख सकते हो कि वाइट का जो है अगर 1 ल्यूमेन वाइट चाहिए तो हमको क्या करना होगा, 0.3 0.11 और 0.59 के रेशियो में इसको मिलाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ल्यूमिनेंस ह्यू एंड सैचुरेशन। जब पिछला जो प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे तो उसमें भी ये चीज बहुत बार आया हुआ है, खास करके नोट्स में, ठीक है। तो ल्यूमिनेंस ह्यू और सैचुरेशन क्या होता है कि कोई भी कलर होता है ना तो उसका तीन कैरेक्टरिस्टिक होता है, कोई भी एक पर्टिकुलर कलर का ल्यूमिनेंस वैल्यू अलग होता है, ह्यू अलग होता है, सैचुरेशन अलग होता है,
ये तीनों अलग होता है। तो जो ल्यूमिनेंस होता है, हम पहले भी अभी इस लेक्चर में बताए थे, ल्यूमिनेंस मतलब ब्राइटनेस। तो ल्यूमिनेंस को कलर से कोई मतलब नहीं है, ल्यूमिनेंस सिर्फ ब्राइटनेस से मतलब रखिएगा, ठीक है। जैसे कि मतलब ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर में हम लोग ल्यूमिनेंस का बात करेंगे, ब्राइटनेस का बात करेंगे, कलर्स का बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो ल्यूमिनेंस क्या है? अमाउंट ऑफ लाइट इंटेंसिटी एज परसीव्ड बाय द आई रिगार्डलेस ऑफ कलर। अमाउंट ऑफ लाइट इंटेंसिटी मतलब क्या हो गया? ब्राइटनेस। तो ऐसे भी लिख सकते हो कि ल्यूमिनेंस इज ब्राइटनेस परसीव्ड बाय आवर आई। परसीव्ड मतलब हम लोग का आई क्या उसको देख रहा है, कैसा वो परसीव कर रहा है, मतलब उसको क्या कहें, उसको क्या रिसीव कर रहा है। तो कितना हमारा आई ब्राइटनेस रिसीव कर रहा है वो होता है ल्यूमिनेंस, ठीक है। और ल्यूमिनेंस को कलर से कोई मतलब नहीं होता है, रिगार्डलेस ऑफ कलर। कलर कुछ भी हो, हमारा जो ल्यूमिनेंस होगा वो सिर्फ ब्राइटनेस इंफॉर्मेशन कंटेन करेगा। तो इन ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर मोर लाइटेड पार्ट विल बी मोर ल्यूमिनेंस, मतलब जितना ज्यादा ब्राइट पार्ट है या जितना ज्यादा लाइट पार्ट है उसका ज्यादा ल्यूमिनेंस होगा। अगर कोई सीन है, मान लो ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर है, आसमान है और घर है, तो जो स्काई होगा उसका ल्यूमिनेंस ज्यादा होगा क्योंकि स्काई लाइट कलर का है, और जो घर है या फिर पेड़ है वो थोड़ा डार्क कलर का है तो उसका ल्यूमिनेंस कम होगा, ठीक है। डिफरेंट कलर्स ऑल्सो हैव शेड्स ऑफ ल्यूमिनेंस। डिफरेंट डिफरेंट कलर का डिफरेंट शेड ऑफ ल्यूमिनेंस होता है, जो कि हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में देखते ही हैं। अगर डिफरेंट कलर का डिफरेंट शेड नहीं होता तो ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर हम लोग देख ही नहीं पाते, है ना। तो ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर में क्या होता है, जो रेड कलर का है वो एक शेड में दिखता है ग्रे के, कोई अगर ग्रीन कलर का है तो उसका जो ग्रे शेड होता है वो थोड़ा अलग होता है, तो ये हम लोग जानते हैं। जैसे अगर ब्लैक एंड व्हाइट टीवी स्क्रीन है तो डार्क रेड कलर जो होता है वो थोड़ा ब्लैक अपियर होगा, येलो जो है वो थोड़ा व्हाइटिश होगा, क्योंकि येलो क्या है, लाइट कलर है, है ना, तो उसका ल्यूमिनेंस ज्यादा होगा। सेकेंड आता है ह्यू। तो ल्यूमिनेंस क्या हो गया, वो ल्यूमिनेंस सिर्फ एक ब्राइटनेस इंफॉर्मेशन देता है, कलर का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। कलर का इन्फॉर्मेशन कौन देता है? ह्यू देता है। ह्यू बताता है कि उसका जो प्रीडोमिनेंट कलर है, मतलब जो बेसिक जो उसमें कलर एडेड है, मेजॉरिटी में जो कलर प्रेजेंट है वो कौन सा है। तो कोई भी अगर लाइट रिसीव हो रहा है तो किस कलर का है वो बताएगा ह्यू। तो कलर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स ह्यू और टिंट, ठीक है। तो इसमें परेशान नहीं होना है अगर टिंट आ जाए, तो ह्यू और टिंट एक ही है, ठीक है। तो क्योंकि ह्यू बताता है कि वो कौन से कलर का है। तो अगर ग्रीन लीव्स है, कोई बोलेगा कि व्हाट इज द ह्यू ऑफ ग्रीन लीव्स, तो ग्रीन लीव्स का ह्यू मतलब ग्रीन लीव्स का कलर, तो उसका क्या होगा, ग्रीन ह्यू होगा। रेड टोमेटोज है, उसका ह्यू कोई पूछेगा तो रेड होगा। ब्लैक शूज है, उसका कोई पूछेगा क्या ह्यू है इसका, तो ब्लैक है। तो ह्यू मतलब कलर, ल्यूमिनेंस मतलब ब्राइटनेस, ठीक है। और सैचुरेशन क्या होता है? सैचुरेशन मतलब होता है प्योरिटी ऑफ कलर लाइट, ठीक है। प्योरिटी मतलब कि अगर कोई रेड कलर है तो वो कितना प्योर रेड है। जैसे ये सब जोक सुने हो ना लड़कियों पे, कि लड़कियों के लिए बहुत सारा कलर होता है, पिंक है तो लाइट पिंक, डार्क पिंक, है ना, लाइटिश पिंक, या रेड है तो डार्क रेड, लाइट रेड। तो ये चीज जो होता है वो किस पे आता है, सैचुरेशन पे। ग्रीन है, ग्रीन ह्यू हो गया, लेकिन ग्रीन कितना परसेंट प्योर है ना, वो डिपेंड करता है उसके सैचुरेशन पे। जैसे जो लोग पेंटिंग करते होंगे, अगर मान लो ग्रीन कलर लिए, उसमें हल्का सा वाइट कलर मिलाए तो हमको थोड़ा सा हल्का लाइट ग्रीन मिलेगा, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर लिए थे डार्क ग्रीन, उससे थोड़ा सा लाइट ग्रीन मिलेगा। उसमें और ज्यादा वाइट कलर मिलाएंगे तो मेरा जो कलर होगा वो और लाइट कलर का हो जाएगा। उसमें जैसे जैसे हम लोग व्हाइट मिलाते जाएंगे उसका कलर वैसे वैसे डार्क ग्रीन से लाइट ग्रीन होते जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका प्योरिटी खत्म होते जा रहा है। ये जो ग्रीन कलर हम लोग लिए थे वो प्योर लिए थे, लेकिन फिर उसका क्या हुआ, जैसे जैसे उसका लाइट कलर में करते गए उसका प्योरिटी जो है वो कम होते गया। तो वो दिखाता है सैचुरेशन की, कलर कितना सैचुरेटेड है, ठीक है। तो सैचुरेशन क्या है, स्पेक्ट्रल प्योरिटी ऑफ कलर लाइट, मतलब कितना प्योर है हमारा जो लाइट है, कलर्ड लाइट है। सिंस सिंगल ह्यू कलर्स अकर रेयरली अलोन, कोई भी एक कलर, सिंगल ह्यू कलर मतलब ऐसा कलर जिसमें एकदम हो कि रेड, अगर कोई टमाटर है वो लाल है तो उसमें सिर्फ एक ही शेड हो लाल का। कभी ऐसा देखे हो कि अगर मान लो कि एप्पल ही है अगर, तो उसमें पूरा एप्पल एकदम एक कलर का हो, ऐसा तो नहीं होता। रेड है तो उसमें कहीं कहीं पे बहुत डार्क रेड भी होता है, कहीं पे लाइट रेड भी होता है। तो यही होता है कि बहुत रेयरली ऐसा होता है कि कोई भी एक सब्सटेंस या कोई भी एक लाइट जो होता है वो सिंगल कलर का हो, ठीक है। तो सैचुरेशन क्या इंडिकेट करता है, कि उस कलर के अलावा और कितना
इम्प्योर कलर प्रेजेंट है, मतलब अगर रेड कलर लाइट है तो रेड कलर में हो सकता है कि हल्का सा ग्रीन भी हो, हल्का सा ब्लू भी हो, इम्प्योरिटी टाइप का, तो वो कितना है, ठीक है। तो सैचुरेशन इंडिकेट्स हाउ लिटिल द कलर इज डाइल्यूटेड बाय वाइट। अगर किसी को ये सारा जो डेफिनेशन है वो टफ लग रहा हो तो वो डायरेक्टली ये भी लिख सकता है कि सैचुरेशन क्या डिनोट करता है, कि कलर कितना डाइल्यूटेड है वाइट कलर से, जिसका कि एग्जाम्पल हम यहाँ पे अभी दिए थे कि कोई भी कलर है उसमें जैसे जैसे वाइट मिलाते जाओगे वैसे वैसे वो इम्प्योर होते जाएगा, क्योंकि वो डार्क ग्रीन से लाइट बनते जा रहा है। अगर मान लो रेड कलर है उसमें वाइट मिलाते जाओगे तो धीरे धीरे उसका जो रेडिश पन्ना है वो कम होते जाएगा, उसका जो रेडिश कलर है वो कम होते जाएगा, इसका मतलब उसका सैचुरेशन कम हो रहा है, ठीक है। तो अ फुल्ली सैचुरेटेड कलर हैज नो वाइट, मतलब अगर हम बोल रहे हैं कि 100% सैचुरेशन है मतलब कि वो रेड कलर है। मान लो पोस्टर कलर है ना, पोस्टर कलर का बॉटल है ऐसा, ठीक है, ये रेड कलर है, ये ग्रीन कलर है, तो जो पोस्टर कलर है ये फुल्ली सैचुरेटेड है, 100% सैचुरेटेड, क्योंकि इसमें कोई भी व्हाइट नहीं मिला हुआ, ये रेड है। लेकिन जैसे ही तुम पेंटिंग के लिए क्या करोगे, तुमको पिंक कलर चाहिए, तो तुम क्या करोगे, रेड में व्हाइट मिलाओगे तो तुमको पिंक कलर मिलेगा। अब रेड में व्हाइट मिला दिए तो अब क्या हो गया, ये जो पिंक आया ये 100% सैचुरेटेड नहीं है, क्योंकि इसको हम डाइल्यूट कर दिए व्हाइट कलर के साथ, तो ये इसका सैचुरेशन जो है वो कम हो गया, ठीक है। और अगर कोई बहुत ज्यादा एकदम 100% 0% सैचुरेटेड है तो वो तो व्हाइट कलर हो जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा व्हाइट से डाइल्यूट करते जाओगे सैचुरेशन कम होते जाएगा। और ह्यू और सैचुरेशन जब दोनों को एक साथ रखते हैं तो उसको कहते हैं क्रोमिनेंस या फिर क्रोमा, ठीक है। द ह्यू एंड सैचुरेशन ऑफ अ कलर पुट टुगेदर इज नोन एज क्रोमिनेंस। ह्यू हो गया कलर, सैचुरेशन हो गया कि वो लाइट ग्रीन है या डार्क ग्रीन है, मतलब इस तरह से समझो। तो क्रोमिनेंस या क्रोमा क्या है, क्रोमा मतलब हम लोग पढ़े थे ना पहले कि कलर होता है, जब मोनोक्रोम के बारे में पढ़ रहे थे, तो ह्यू करता है कि हाँ ये रेड है, और सैचुरेशन क्या करता है, ये डार्क रेड है या लाइट रेड है, ये काम है सैचुरेशन का। तो जब डार्क और रेड या लाइट और रेड जब दोनों साथ में होता है इसको कहते हैं क्रोमिनेंस। लेकिन इसमें ब्राइटनेस इंफॉर्मेशन नहीं है, हम लोग देख रहे हैं इसमें ह्यू इंफॉर्मेशन है, सैचुरेशन इंफॉर्मेशन है, लेकिन ब्राइटनेस जो ल्यूमिनेंस इंफॉर्मेशन है वो नहीं है। तो जो क्रोमिनेंस है उसमें ब्राइटनेस इंफॉर्मेशन नहीं होता है, सिर्फ ह्यू और सैचुरेशन होता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, इसलिए ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हम लोग का यहाँ तक था हम लोग का मॉड्यूल 5 का जो सब टॉपिक 1 है, जिससे कि बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आता है। तो उम्मीद करते हैं कि एक बार सभी लोग देखो इसको, अच्छे से समझो और अपने से कॉपी में लिखो, ताकि ये चीज़ दिमाग में थोड़ा सा बैठे। और मिक्सिंग ऑफ कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 कलर्स थ्योरी, तो उसको अच्छे से पढ़ना है। इनफैक्ट इसमें अभी जितना भी चीज़ हम बताए हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ल्यूमिनेंस, ह्यू, सैचुरेशन, ये सब कुछ एग्जाम में आता है, तो इसको अच्छे से पढ़ो। और कोई डाउट हो तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।